नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना शाहनवाज जी? जी, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एनडीए के नेता के तौर पर वो उनको शपथ दिलाई जाएगी। आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है और मैं आपको बता दूं, आवाज थोड़ा वो मैंने गार्गिल बहुत किया है ना कोरोना के बाद बीटाडीन से, जी जी जी, अच्छा, तो आवाज खुलती भी है कभी बंद भी होती है जी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो त्यागी जी कह रहे थे ना, आप उनके दर्द को उनके जख्म पर आशुतोष जी नमक छिड़कना चाह रहे हैं। जख्म है कि एलजेपी ने कई उनकी सीटों पर जो है वो उम्मीदवार खड़े किए, और यहाँ तक के एलजेपी ने तो हमारी भी कई सीटें खराब कर दी। जिस भागलपुर का जिक्र हो रहा है अंजना जी, आपको मालूम है हम भागलपुर में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, 4 में हम 3 जीत गए, लेकिन जो भागलपुर सबसे मजबूत गढ़ है हमारा, वहां हम 927 वोट से हार गए। लोजपा के कैंडिडेट ने 20,000 वोट काट लिया वहां, तो लोजपा वहां भी खड़ी थी। तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी ने सिर्फ जेडीयू का ही नुकसान नहीं किया, कई जगह भारतीय जनता पार्टी का भी किया है। भले वो कहें कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, और ये सब तो रोना धोना हो जाता है ना सर, बात की कोई बात नहीं मानते, इसको रोना धोना कहते हैं बात का। वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने सीमांचल में उनको नुकसान पहुंचाया। सरकार बन रही है, जनादेश मिल गया, हर पार्टी लड़ सकती है, कहीं भी लड़ सकती है, नुकसान पहुंचाएगी। मुबारक हो, जनादेश जनादेश आपके राज में जंगल राज की वापसी नहीं हुई है। आपके राज में महिलाओं ने दूसरे और तीसरे फेज में बहने आगे आ गई बूथ पर कि किसी भी शर्त पर जंगल राज नहीं आने देना है, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला है, एक एक वोट। उनको लगता है कि दिल्ली में एक उसका बेटा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो उसकी चिंता करेगा, उसकी परेशानी दूर करेगा। तो नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास है, कहीं भी उपचुनाव हुआ देखिए कितना वोट मिला है। अब ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जिधर है वहां जीत पक्की है, इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, हम लोग तो मिलकर मित्र के नाते, साथी के नाते काम करते हैं, और हम ये मानते हैं। मैंने तो कह दिया था हम जुड़वा भाई हैं जब चुनाव लड़ रहे थे, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो दो भाई अच्छी मेहनत करते हैं, एक को कम नंबर आ जाए तो माँ बाप उसको डांटते नहीं है। अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, ठीक है, काफी उत्सुक लग रहे हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन अबे दुबे जी का क्या कीजिएगा, 70 लड़े, 19 जीते, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, इतना इतनी इकोनॉमी को झटका लगा, वापसी भी हो रही है, मजदूरों की परेशानी थी, बिहार की ऐसी त्रासदी थी प्रवासी मजदूरों की, फिर भी आज रौनक देखिए कहाँ है। बीजेपी दफ्तर और कांग्रेस में वही सन्नाटा, और अपने आंकड़ों के सन्नाटों का तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, बोलेंगे तो आपको चुभेगा, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट को देख लीजिए, 70 सीटें लड़े थे सर आप, 70 सीटें। अंजना जी देखिए, चुपचाप बहुत देर से उंगली उठा, चुपचाप रहेंगे तो मुश्किल है, अभी एक घंटे में चले जाएंगे। बोलिए अभय जी, चुपचाप रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। ये जो भारतीय आवाज ना हमारे साथी की है, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी है। त्यागी साहब का कैसा दर्द छलका देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के राज्य दर राज्य की हार गिना दी। ये दोनों ठीक है, आप बीजेपी पर ऐसे लिखिएगा, स्ट्राइक रेट दिखाइए जरा एक बार, फुल स्क्रीन स्ट्राइक रेट दिखाइए, दोनों चाचाओं ने मिलकर बिहार की सरकार चुरा ली। बीजेपी पर बाद में ऐसे लिखिएगा सर, ये देखिए अपना स्ट्राइक रेट, दोनों चाचाओं ने बिहार की सरकार ऐसे मार्क्स जब बच्चे लाता है तो क्या कहा जाता है, 19 out of 70। प्रधानमंत्री तो ऐसा मार्क्स अगर कोई लेकर आए तो आप उसको क्या कहिएगा, उस बच्चे को, वो बताइए। इनकी कितनी जमानतें जब्त हुई है, क्या, ये पूछ लीजिए क्या हुआ। वक्त की गर्दिशों में पलते हैं, घोंसले तो नहीं पलते हैं, हमारे पास है, चिंता मत करिए। जो चुराई हुई सरकार है, दोनों चाचाओं ने ना, ये दोनों चाचाओं ने बिहार की 10 नंबर ही सरकार है, 10 सीटें चुराई है शहनवाज जी आप लोगों ने, ये 3 सी से आप जीते हो, जानते हैं चिराग पासवान कह रहे हैं, चुनाव आयोग बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। दुबे जी, हार के बिहार की जनता के जनादेश का अपमान मत कीजिए, एक सेकंड, बिहार की जनता ने 125 सीटें दी, आप उसको 10 नंबरी कह रहे हैं, बिहार के लोग बहुत आहत हो जाएंगे, बिहारी बड़े टची होते हैं। दुबे जी, इस तरह बिहार की जनता का अपमान मत कीजिए, 600 वोट से जीते थे उन्हें हरा दिया। एक सेकंड अभय जी, बात तो सुन लीजिए, ये बात तो आप कल रात से बोल के गए थे अभय जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हार के दर्द ने आपको शायर तो बना दिया, लेकिन ये क्या सी बात हुई कि असदुद्दीन ओवैसी लड़े तो हमारी तरफ से लड़े, वरना अपने आप से लड़े, ये क्या मतलब हुआ। अब आप ये भी तय करेंगे कि कोई पार्टी लड़े ना लड़े, लड़े तो कहां से लड़े और
क्यों ना लड़े? ये सारी चीजें अब कांग्रेस पार्टी से पूछ के तय करेगा कोई? कांग्रेस से नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री जी से पूछ के लड़ते हो ओवैसी साहब, क्या बात करते हैं आप? जहां जहां 24 जो अपने राज्य तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़ता हो वो सीमांचल में 24 सीटों पर लड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर लड़ता है जहां ध्रुवीकरण कराया जा सकता है, वो झारखंड में लड़ता है, वो महाराष्ट्र में। अरे इनके हेलीकॉप्टर में तेल कौन डला रहा है, एक बार बता तो कीजिए आप। ये जो प्यार की पींगे बढ़ाते ना चुनाव के समय, पुराने साथी वो आपके हैं, मजलिस हो या मुस्लिम लीग हो, इसको बड़ा किसने किया? अरे अमित यूपीए के पार्टनर आपके रहे, हमारे कभी पार्टनर नहीं रहे। ओवैसी साहब से पूरी तरह दिया।